इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी पर गिरी गाज, सईद खान निलंबित, सोनू कल्याणे की सेवाएं समाप्त। संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने जारी किए आदेश, मूसाखेड़ी चौराहे पर दोनों के बीच हुआ था विवाद। इंदौर में कुछ समय पहले मूसाखेड़ी चौराहे पर दोनों पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी के बीच विवाद हुआ था, जिसके कारण संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने दोनों को निलंबित कर दिया है। पुलिसकर्मी सईद खान सहित निगम कर्मचारी सोनू कल्याणे की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। आइए देखते हैं निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने क्या कहा। दो तीन दिन पहले मूसाखेड़ी चौराहे पर एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुआ था, जिसमें एक पुलिसकर्मी और निगम कर्मी आपस में बात कर रहे हैं और चालानी कार्रवाई को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ था। और उसमें उस विवाद में सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक विषय ये था कि उसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था। और आप देख रहे हैं उस वीडियो में कि वो सार्वजनिक स्थल है, लोग आसपास से गुजर रहे हैं। चूँकि दोनों ही शासकीय कर्मी थे, इसलिए संभागायुक्त महोदय ने विशेष निर्देश देते हुए इसमें दोनों पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जो सईद खान पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ भी सस्पेंशन ऑर्डर किया गया है, साथ ही जो निगम कर्मी थे सोनू कल्याणे उनको भी सेवा से मुक्त किया गया है। चूँकि ये विषय पूर्णतया अनुशासनहीनता का था, इसीलिए इसमें जो FIR दर्ज हुई थी वो भी प्रथम दृष्टया क्रिमिनल प्रोसीडिंग के नाम रखते हुए इसको भी खात्मा करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इसमें संभागायुक्त महोदय ने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग न सिर्फ समन्वय से काम करें, बल्कि ये भी ध्यान रखें कि हमारा सार्वजनिक स्थल पर व्यवहार कैसा होना चाहिए और जनता से की गई किसी भी प्रकार की ऐसी भाषा का प्रयोग जो अमर्यादित है, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो संसदीय नहीं है, उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी विभाग से आते हों। तो इसीलिए सभी कर्मचारियों को भी इस संबंध में लगातार समझाइश दी जा रही है।